अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख सुहेल और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़। आम आदमी पार्टी कांग्रेस एमएलए गोशा में इंचार्ज जनाब एमएम हुसैन साहब की जानिब से अपनी जेबी खर्च से गरीब गुरबा आवाम में राशन किट तकसीम किया जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एमएम हुसैन है, मैं आम आदमी पार्टी स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हैदराबाद तेलंगाना से बोल रहा हूँ। मैं केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से धन्यवाद करना चाह रहा हूँ और साथ में मोदी जी का भी करना चाह रहा हूँ कि इतना अच्छा देश में काम किए। आज ये बता दिए कि आप देशवासियों से कितनी मोहब्बत करते, कितना प्यार करते। केसीआर जी, मोदी जी तो सारे देश के लिए है, हमारे तेलंगाना के लिए आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे सीएम हैं, आप पब्लिक के सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट भी हैं और जो है ना आप हमारे लिए और तमाम तेलंगाना प्रजा के लिए तेलंगाना के निज़ाम भी है। प्रेजेंटली आप तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान आपके गवर्नमेंट के वर्क्स पूरे कर ले रहे हैं। खैर हम ये नहीं बोल रहे रोड मत बनाओ, मास्टर प्लान मत बनाओ, वो कर लीजिए आप, मगर जो आप ये लॉकडाउन के पीरियड में जो दारू के ठेके खोले, आप शराब ओपन किए, इससे कभी आपने सोचा? आपको तो इनकम बढ़ के आएंगी, आपको टैक्सेस के रूप में तेलंगाना में इंक्रीज होएगा, लेकिन आप कितने दिन हाई बद्दुआ का पैसा कितने दिन खाएंगे साहब? ये आपके परिवार के सामने भी एक दिन भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, आएगा आपको तो आप जब क्या करेंगे, जब सोचिए। और जो और आपने जो काम किया ये काम सही नहीं है, क्योंकि एक तो उसमें सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो रहा है, लोग एक के ऊपर एक गिर रहे हैं और रोज गरीब रोड पे चल रहा है, एक से दो तीन हो गए तो आपकी पुलिस उनको मार रही है, और जो बार ओपन हो गए, जो वाइन शॉप ओपन हो गए तो आपकी पुलिस वहाँ पे सपोर्ट कर रही है। उन्होंने यहाँ पे आपका ढोगलापन पता चल रहा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो है ना लोग खाना खाने को मोहताज है और आप शराब खोल दे रहे हैं, औरतों के पास थोड़ा बहुत जो पैसा है उनको मार के तोड़ के उनका पैसा ले ले रहे हैं। औरत घर की लक्ष्मी होती है, आप ये सारे मज़हब में हिंदू मुस्लिम हर एक को औरत के सम्मान करना है, औरत के कदमों के नीचे हमारे मज़हब में वो जन्नत है बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको तेलंगाना प्रजा से थोड़ा बहुत भी प्यार है, थोड़ा बहुत भी उनके लिए आप सोच रहे हैं, तो आप लॉकडाउन पूरा ओपन करिए, या नहीं तो ये लॉकडाउन खोलने का आप नाटक बंद करिए, लॉकडाउन रखने का। ये जो आपके नाटक जो वाइन्स खोल दिए, ये खोल दिए, वो खोल दिए, नाटक है ये। आप सेंट्रल जो आपको जो जैसा नचा रहे वैसा आप नाच रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इंसाफ करना है तो सबके साथ करिए, और गरीब मजदूर को आप बोल रहे हैं यहाँ से फ्री भिजा रहा हूँ, साहब शर्म करिए साहब, मेहरबानी करके शर्म हमको भी आ रही बोलने के लिए। उनको बस में पैसा लिया जा रहा, उनको ट्रेन में पैसा लिया जा रहा, उनको खाने के लिए पैसा लिया जा रहा, क्या वो देशवासी है या विदेश से आए, या पाकिस्तान के या बांग्लादेश के या कौन से देश के, वो भी हमारे भारत देश के, हम सबका देश है भारत, हम सब मिलकर इसको आज़ाद करें। हमारा कहने का मतलब है क्या है, तुरंत मेहरबानी करके आप ये लॉकडाउन का ये नाटक ख़त्म किया जाए देश में। करोना इनको है, उनको है, इनको है, कैसे पता चला साहब? आप कैसा मालूम है? हमारे पास पूरे वर्ल्ड में अभी तक इसकी किट नहीं बनी करोना के पास। आप खाली आप
मालूम करने 14 डेज लगा रहे, तो आपको कैसा पता चल गया कि फलानी गली में फलाना इधर है फलाना उधर है? ये आप लोगों को डराना धमकाना बंद करिए मेहरबानी करके। आप जो है ना, हमारे देश में कोरोना है लेकिन उतना नहीं है जितना आप डरा कर लोगों को जनता को रखना चाह रहे हैं। पहले आप शराब की दुकान बंद करिए मेहरबानी करके, बहुत परेशानी हो रही, यानी तो आप पूरा लॉकडाउन ओपन करिए। बांट रहा हूँ लेकिन बांटते हुए देख के बस्ती के कुछ लोग, हमारे जो नेबर्स जैसे भाई बहन के जैसे समाज के लिए, उन्होंने बीजेपी को भी सपोर्ट करे, कांग्रेस को भी करे, टीआरएस गवर्नमेंट को भी करे, हर पार्टीज के साथ वो लोग काम करते हैं। मेरा वर्क देख के आए, मेरी पार्टी के देख के नहीं आए। मैं हमारे वो हिंदू बहन को देना चाहूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति है। हम लोग सब ये देखकर इनके पास आए हैं, ये क्या कर रही है, सब जनता की सेवा में इतना लगे हैं। लॉकडाउन में जितने लोग परेशान हैं, खाने खाने को जो मोहताज है, उनके वजह से इतना सेवा जो भैया कर रहे हैं, हम उनका सेवा देख के आए। हमको जो भी हमारे गरीब लोग को साथ देगा, हम उनके साथ देंगे। हमारे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे सेवा करने वाले ही लोग हमारे देश में रहना। इसे मुसीबतों में जो भी साथ देते वो लोग 42 डेज से ये दान पुण्य कर रहे हैं। वो किसी भी पार्टी के वजह से, किसी के वजह से नहीं, दिल में कुछ खोट रख के नहीं, बस इतना किसी के पेट, गरीब का पेट भर जाए, गरीब लोगों को कुछ अच्छा हो जाए, इसीलिए वो कर रहे हैं। हम ऐसे लोग के साथ देंगे, बरोबर देंगे कि हमारे भाई बंधु जो भी कुछ भी नहीं होते, लेकिन इंसान के लिए सोच रहे ना, एक बड़ा इंसान ही है। भगवान इनको और बरकत दे।